हाँ जी, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की हमारी ए टू जेड सीरीज चल रही थी, आज ए टू जेड सीरीज की थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम सी और डी से बनने वाले कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखने वाले हैं। ये जो ए टू जेड सीरीज है, ये सारे वो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं जो राजस्थान की एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सी और डी वाले कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम देखेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट वर्ड है सेशन, सेकंड वर्ड है सेशन। भाई प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है। सेशन होता है समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना, द फॉर्मल गिविंग अप ऑफ राइट्स, प्रॉपर्टी और टेरिटरी। अपनी प्रॉपर्टी, अपने अधिकार, अपनी टेरिटरी को क्या कर देना, गिव अप कर देना, त्याग देना, समर्पण करना, उसको हम कहेंगे सी ई डबल एस आई ओ एन, सेशन। तो एस ई डबल एस आई ओ एन, ये सेशन क्या है? ये वही है सेशन है जो मैं अभी आपका ले रही हूँ, ठीक है। अभी ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का आपका सेशन चल रहा है, कई बार लाइव सेशन चलता है, तो बस उसी को ये सेशन कहेंगे। सत्र, अ मीटिंग और सच एज अ कोर्ट, स्कूल और लेजिस्लेटिव ग्रुप, ठीक है। स्कूल की, कोर्ट की, स्कूल की या लेजिस्लेटिव ग्रुप की मीटिंग, तो स्कूल इसमें आया, इसका मतलब जो क्लासेस होती हैं उनको भी हम सेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चेक और चेक, सी एच ई सी के, चेक होता है जांचना, ठीक है। जैसे कॉपी चेक की जाती थी जब हम स्कूल में थे। टू एग्जामाइन समथिंग टू डिटरमाइन इट्स एक्यूरेसी और क्वालिटी। और ये वाला चेक क्या है भाई? ये वाला चेक वो है जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, जब आप अच्छे, अच्छा आपकी अच्छी सैलरी होगी तो आप भी अपनी चेकबुक बनवाएंगे और आप चेक काट कर देंगे, बस ये वही चेक है। ए रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ बैंक टू पे मनी, मनी को पे करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक काट कर देंगे, बस इसीलिए। ये चेक काटने के लिए ही आपको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है या फिर अच्छा पैसा कमाना है, किसी भी आपको फील्ड में जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए। मैं कह रही हूं कि एग्जामिनर का फेवरेट है ये। साइट, साइट और साइट, सेम प्रोनंसिएशन है, बिल्कुल सेम प्रोनंसिएशन है। सी आई टी ई, साइट होता है उद्धृत करना। ये जो राइटर वगैरह है, ये जो कोट, टू कोट एज एविडेंस और रेफर टू एज एन एग्जाम्पल, जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, ये जो उद्धृत करते हैं अपनी पोइम में, अपनी राइटिंग में, उसको हम साइट कहेंगे, सी आई टी ई वाला। तो एस आई जी एस टी वाला साइट क्या होता है? एस आई जी एस टी वाला साइट होता है दृष्टि, ठीक है। द एबिलिटी टू सी समथिंग दैट इज सीन, कि यार उसकी तो साइट चली गई, आई साइट। ये वाला साइट कौन सा है? ये वाला आई साइट, ठीक है, आई साइट। यार उसने तो अपनी आई साइट खो दी। तो ये वाला साइट है विजन, दृष्टि, है ना, विजन, विजन। एस आई टी ई साइट, ये होता है स्थान। कई बार आपने सुना होगा किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास फोन आता है कि कहाँ हो, मैं तो साइट पर हूँ, साइट पर हूँ। अ प्लेस वेयर समथिंग इज लोकेटेड और टेक्स प्लेस, वो साइट, स्थान वाला साइट है, क्लियर। आगे चलिए, काउंसिल और काउंसल, काउंसिल और काउंसल, थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोनंसिएशन में। काउंसिल होता है परिषद, काउंसिल होता है परिषद, एन असेंबली ऑफ पीपल कॉल्ड टुगेदर फॉर डिस्कशन, परिषद, काउंसिल। तो फिर काउंसिल क्या है? काउंसिल होता है सलाह है। आपने काउंसलिंग का नाम सुना होगा कि यार हमारा वो काउंसलर है, काउंसलर है, इट मींस वो सलाह देने वाला है, वो काउंसल करता है, काउंसल करता है, सलाह देता है। एडवाइस गिवन फॉर्मली टू प्रोवाइड गाइडेंस, गाइडेंस देने के लिए जो एडवाइस दी जाती है वो काउंसल होती है।
आगे चलेंगे कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल। कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉर्पोरल होता है शारीरिक और कॉर्पोरियल होता है भौतिक। कॉर्पोरल शारीरिक, रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी या फिर फिजिकल, शारीरिक कॉर्पोरल। कॉर्पोरियल होता है भौतिक, रिलेटिंग टू द फिजिकल और मटेरियल बॉडी, फिजिकल और मटेरियल बॉडी से संबंधित कॉर्पोरियल भौतिक। आगे चलेंगे क्यू और क्यू, सेम मीनिंग से सॉरी सेम प्रोनंसिएशन, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। क्यू होता है संकेत, अ सिग्नल फॉर एक्शन, अ हिंट और प्रॉम्प्ट। क्यू, CUE, क्यू, QUEUE। क्यू होता है लाइन, पंक्ति, बोलते हैं ना मैक ए क्यू, लाइन बना लो, बस ये वो वाली पंक्ति कह दो या कतार कह दो। आगे चले सिरिमोनियल, सिरिमोनियल होता है औपचारिक, ठीक है, रिलेटेड टू और यूज्ड फॉर फॉर्मल और रिचुअलिस्टिक इवेंट्स, ठीक है, सिरिमोनियल होता है औपचारिक। और सिरिमोनियस क्या होता है? सिरिमोनियस होता है विधि पूर्वक, कैरेक्टराइज्ड बाय और इन्वॉल्विंग सेरेमनी, वेरी फॉर्मल, जो बहुत ज्यादा, ये विधि पूर्वक, ठीक है, जो लॉ से संबंधित है, विधि से संबंधित है, तो उसको विधि पूर्वक के लिए हम यूज करेंगे सिरिमोनियस, और जो औपचारिक है, औपचारिक के लिए हम यूज करेंगे सिरिमोनियल। क्लियर? आगे कहेंगे सीज और सीज, सेम मीनिंग, सेम प्रोनंसिएशन है। सीज होता है रोकना, टू स्टॉप और ब्रिंग टू एन एंड, रोक देना, समाप्त कर देना, एंड कर देना, सीज, CEASE। तो SEIZE क्या होता है? SEIZE सीज होता है जब्त करना। यार उसने, पुलिस ने उसकी कार सीज कर ली, कार जब्त कर ली, टू टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली, ठीक है, जब्त करना, सीज करना। आगे चलिए कॉलेज और कॉलाज, कॉलेज और कॉलाज, कॉलेज आप सबको पता है महाविद्यालय, ये कॉलेज नहीं होता है, इसका प्रोनंसिएशन ये होता है कॉलेज, कॉलेज, और इसका प्रोनंसिएशन होगा कॉलाज। कॉलेज आप सब जानते हो महाविद्यालय, कॉलाज होता है चित्रात्मक संयोजन, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी फोटो एक जगह लग जाना, कॉलाज बना लेना। एन आर्ट फॉर्म इन्वॉल्विंग द अरेंजमेंट, फोटोज का अरेंजमेंट करके एक पूरा कोलाज बना लेना, ठीक है। डिजीज और डिसीज, ये है डिजीज, ये है डिजीज और ये है डिसीज। डिजीज आप सब जानते हो बीमारी या रोग, तो डिसीज क्या है? डिसीज है मृत्यु, डेथ के लिए डिसीज का यूज करेंगे, डेथ को क्या कहेंगे? डिसीज कहेंगे मृत्यु। डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट, भाई तीनों का प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम है। डिसेंट, DECENT, डिसेंट होता है उचित, डिसेंट होता है उचित, ठीक है यार, ये तो बहुत डिसेंट है, बहुत सही है, अच्छा है, उचित है। DESCENT, डिसेंट होता है ढलान, वो जो एसेंट था ना, ASCENT, असेंट, उसका एंटोनिम है डिसेंट, ढलान, घटते क्रम में। और DISSENT, डिसेंट होता है असहमत होना, डिसएग्री होना, ये ASSENT असेंट का क्या है? एंटोनिम है, असेंट का एंटोनिम डिसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, DISCRETE, डिस्क्रीट होता है विवेकपूर्ण, रेशनल, शोइंग केयरफुल जजमेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, ठीक है, विवेकपूर्ण, उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्क्रीट। तो DISCRETE क्या है दोस्तों? ये होता है पृथक, सेपरेट, ठीक है, डिस्क्रीट, सेपरेट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से भिन्न, दूसरों से अलग, सेपरेट, उसको कहेंगे डिस्क्रीट। आगे चलिए ड्यूअल, DUAL, ड्यूअल होता है द्वैतिक, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स और एलिमेंट्स, ड्यूअल, ठीक है, दो पार्ट्स, दो पार्ट्स, दो चीजें। और DUEL, ड्यूअल होता है युद्ध, यानी दो लोगों में जो फॉर्मल लड़ाई होती है, ए फॉर्मल कॉम्बैट बिटवीन टू पीपल,
दो लोगों में टू पीपल, टू पर्सन कर दो, टू पर्सन, ठीक है, ड्यूअल, झगड़ा, लड़ाई, युद्ध। ये हमारे बैचेस हैं। देखो जनरल इंग्लिश का दुर्गा बैच चल रहा है, 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है जनरल इंग्लिश का दुर्गा बैच। आप इस बैच को अगर ले लेंगे, आपको किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आ रही हो, आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट इंग्लिश इसमें हम करवा रहे हैं। और इसके साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है इस बैच में। अगर आप पटवार के एस्पायरेंट हैं, 10 नवंबर से पटवार का की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम आपको पूरे 20 टेस्ट देने वाले हैं, नो टॉपिक वाइज, 3 जो हैं वो रिवीजन टेस्ट हैं और 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं। वीडियो की टेस्ट सीरीज 17 नवंबर से स्टार्ट होगी, 17 नवंबर से, इसमें भी 20 टेस्ट दिए जाएंगे, नो टॉपिक वाइज, 3 रिवीजन और 8 फुल लेंथ टेस्ट। ये हमारे 3 कोर्सेज हैं जो कि अपने स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर अभी चल रहे हैं। अगर आपकी और कोई इंक्वायरी करनी है आपको, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। डिफाई करना, ये है डिफाई और ये है डेइटी। डिफाई होता है चुनौती देना, चैलेंज करना, टू रेसिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे, ठीक है, ओबे करने से, आज्ञा मानने से मना कर देना, चुनौती देना, डिफाई करना। तो डेइटी होता है देवता, ठीक है, ए गॉड और डिवाइन बीइंग, जो डिवाइन बीइंग है, जो देवदूत है, जो देवता है, उसको डेइटी कहेंगे। आगे है डिसाइडेड और डिसीजिव। डिसाइडेड और डिसीजिव में क्या फर्क है? डिसाइडेड तो हो गया निश्चित, डिसाइड किया हुआ, ठीक है, डिसीजिव हो गया डिसीजन से रिलेटेड, निर्णयात, ठीक है, निर्णायक, डिसीजन से रिलेटेड निर्णायक। डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्ट और अनइंटरेस्टेड, दोनों में रात दिन का फर्क है। डिसइंटरेस्ट होता है निष्क्रियता, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, किसी चीज में हम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, अपना कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं, तो हमारे अंदर डिसइंटरेस्ट है। और अनइंटरेस्टेड होता है उदासीनता, नॉट इंटरेस्टेड या इनडिफरेंट, ठीक है। अगर उदासीनता का सेंस देना है तो अनइंटरेस्टेड का यूज करेंगे, अगर निष्क्रियता का सेंस देना है तो डिसइंटरेस्ट का यूज करना है। आगे चलो, डेजर्ट और डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार कर लीजिएगा, बहुत बार, डेजर्ट रेगिस्तान होता है। और DESERT, डेजर्ट होता है मिठाई, जो खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसको डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। आगे चले, डिप्रेशन, आप सबको पता है, जो जब टेंशन की अति हो जाती है और लंबे समय तक जब टेंशन रहे तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम अवसाद कहते हैं, तो वो होता है डिप्रेशन, अ स्टेट ऑफ लो मूड एंड एवर्जन टू एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी काम ना करने की स्थिति, उसको डिप्रेशन कहेंगे। और डिप्रिशिएशन किसे कहेंगे? डिप्रिशिएशन होता है मूल्यह्रास, किसी भी चीज की कीमत गिर जाना, अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ समथिंग ओवर टाइम, ठीक है, किसी भी वस्तु की मूल्य गिर जाना, उसको मूल्यह्रास कहेंगे, वो कहते हैं डिप्रिशिएशन, ठीक है। डिप्रेशन और डिप्रिशिएशन में रात दिन का अंतर होता है। आगे चलेंगे, डिफेक्टिव और डिफिशियंट। डिफेक्टिव होता है दोषपूर्ण, कि भाई ये तो डिफेक्टिव है, हम इसको नहीं खरीदेंगे, हैविंग अ फ्लो और इम्परफेक्शन, ठीक है, इम्परफेक्शन, डिफेक्टिव, दोषपूर्ण, कि ये तो डिफेक्टिव आ गया, रिटर्न कर देते हैं इस पार्सल को। और डेफिशिएंट होता है अधूरा, डेफिशिएंट कहेंगे अधूरे को। आपके अंदर, आपकी बॉडी में अगर वाइटमिन डी की कमी है तो क्या आएगा? आपके वाइटमिन डी की डेफिशियंसी है, ठीक है, डेफिशिएंसी और डेफिशिएंट, वो है अधूरा। नेक्स्ट है डिलाइटफुल और डिलीशियस। डिलीशियस यूज करेंगे खाने की चीज के लिए, डिलीशियस यूज करेंगे खाने की चीज के लिए, डिलाइटफुल यूज करेंगे मन की स्थिति के लिए, जो आनंददायक हो, मन की स्थिति के लिए डिलाइटफुल, डिलाइटफुल आनंददायक, वेरी प्लीजिंग, ब्रिंगिंग जॉय।
और डिलीशियस हो गया स्वादिष्ट, टेस्टी, वेरी प्लीजेंट टू ईट। क्लियर? आगे चलिए। डिनाय और डिक्लाइन। डिनाय होता है इनकार कर देना, मना कर देना। तो भाई डिक्लाइन क्या होता है? डिक्लाइन होता है गिरावट, ह्रास। टू डिक्रीज और रिफ्यूज इन क्वालिटी, क्वांटिटी और इम्पोर्टेंस। किसी चीज की, किसी वस्तु की क्वालिटी, क्वांटिटी और इम्पोर्टेंस में क्या हो जाना? गिरावट आ जाना, उसको कहेंगे डिक्लाइन। आगे है डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट तो अभी बताया था मूल्यह्रास, और डेप्रिकेट होता है विरोध करना। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और रिग्रेट, किसी बात के लिए, किसी काम के लिए डिसअप्रूवल शो करना, यानी विरोध करना, यानी डेप्रिकेट करना। ठीक है? डिफेस करना और ई फेस करना। अब देखो डिफेस और ई फेस में क्या अंतर है। डिफेस होता है बिगाड़ देना, क्या, किसको, स्पॉइल कर देना, डैमेज कर देना। ठीक है? किसी किसी भी चीज को स्पॉइल, बिगाड़ देना, बर्बाद कर देना, उसको हम कहेंगे डिफेस करना। और ई फेस क्या है? ई फेस होता है इरेज कर देना, पूर्णतया नष्ट कर देना। ई फेस होता है पूर्णतया नष्ट कर देना, ई फेस होता है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है। जो भी स्टडी मटेरियल है, जो मैं लर्न विद रजनी यूट्यूब चैनल पर जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, हर क्लास की पीडीएफ भाई हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं इंग्लिश का। जो पीडीएफ हम हमारे लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं, और स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं जनरल राजस्थान जीके की, उसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं स्मृति कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। आप इन दोनों ग्रुप और चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। साथ ही इसके अलावा भी जो अदर स्टडी मटेरियल है वो डे बाय डे आपको यहाँ मिलेगा। तो अभी के अभी जाके फटाफट इसको ज्वाइन कर लेना है। आगे है डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी शांत करना, और DIFFUSE, ये डिफ्यूज होता है फैलाना। टू स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, बहुत बहुत बड़े एरिया में फैला देना। टू स्कैटर और डिस्पर्स। आगे है डोज और डोज। ये जो डोज है DOSE, डोज यानी दवाई, खुराक, मेडिसिन का जो डोज होता है उसको हम डोज कहेंगे, खुराक। और DOZE, डोज होता है झपकी लेना। DOZE, डोज होता है झपकी लेना। टू स्लीप लाइटली, ओपन अन इंटेंशनली, ना ना चाहते हुए भी, रात की हमारी नींद बाकी है तो हम कुर्सी पे बैठे बैठे यूं ऊंघते हैं, बस ये वो वाला डोज है, ना चाहते हुए अन इंटेंशनली सो जाना। ठीक है? DAM, डैम। डैम होता है बांध, जहां पर पानी इकट्ठा रहता है, बांध। और DAMN, डैम। डैम होता है श्राप देना। टू एक्सप्रेस एंगर और फ्रस्ट्रेशन। आपने कई मूवीज, कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा, किसी कोई बस निकल गई हमारे सामने से, तो कहते हो डैम यार, डैम यार। ये जो डैम है वो ये वाला डैम है, DAMN, डैम। ओ शिट यार, तो ये शिट और डैम दोनों सेम है। डैम, श्राप देना। अब किसी व्यक्ति को श्राप नहीं कर रहे, अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं डैम बोलकर। आगे है डिफर और डेफर। प्रोनंसिएशन में लिटिल डिफरेंस है। DIFFER, डिफर होता है अलग होना, भिन्न होना। टू बी अनलाइक और डिस्टिंक्ट इन नेचर और क्वालिटी। नेचर, प्रकृति और क्वालिटी में अलग होना, उसको कहेंगे डिफर। तो भाई डेफर क्या होता है? डेफर होता है स्थगित हो जाना, पोस्टपोन हो जाना। टू पोस्टपोन और डिले समथिंग। ठीक है? स्थगित हो जाना, डेफर हो जाना। जैसे मान लो जब मैं कोर्ट में थी तो बयान वगैरह लेते थे, तो जैसे मान लो टाइम नहीं है, टाइम पूरा हो रहा है, 5 बज गए, तो जो गवाह होता था, जो विटनेस होता था, उसके जो बयान थे, बयान होते, उसको क्या कर देते हैं? उसको डेफर कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। डाई और डाई। DIE, डाई होता है मरना।
DYE डाई होता है रंगना। मैंने क्या कहा था, ये सीरीज जब चलाई थी तब मैंने ये कहा था भाई इन क्लासेस के बाद ना सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फायदा होगा, इन क्लासेस को लेने के बाद आप अपने डेली रूटीन में जो वर्ड्स यूज ले रहे हो उनमें भी आपको फायदा होगा, सही वर्ड्स को आप यूज लेने लग जाओगे। तो ये आज की क्लास हमारी खत्म हुई। डी तक हम वर्ड्स कर चुके हैं, डी तक के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम कर चुके हैं, एकदम डिक्शनरी की तरह मैं पूरा करवा रही हूँ। और ये सारी जो PDFs हैं वो मैं लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको डलवा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ वहाँ से आप लेकर PDF से आप इनको अच्छे से क्लियर कर रहे हो, ताकि आपके आगे आप जब भी आप पढ़ो या जब भी आप डेली रूटीन में जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करो तो आप बिल्कुल सही बिल्कुल करेक्ट यूज़ करो। तो ये ना सिर्फ आपकी एग्जाम के लिए, आपकी डे बाई डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की सीरीज। उम्मीद करती हूँ ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं। दोस्तों क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और लर्न विद रजनी स्मृति कोचिंग क्लासेस पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।